हैप्पी मानसून चिल्ड्रन हाव यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एन्जॉइंग योर हॉलीडेज ओके सो विथ एन्जॉयमेंट वी हैव टू स्टडी योसो सो लेट स्टार्ट टूडे साइंस चैप्टर फाइव एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ह्यूमन बॉडी सी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर है जो हमें पता नहीं है सो so, आज हम उसको थोड़ा सा जानते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर द ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन लाइक एनी मशीन द ह्यूमन बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस ह्यूमन बॉडी जो है एक वंडरफुल मशीन है ओके वंडरफुल मशीन यानी कि एक अद्भुत मशीन है एक एक्स्ट्रॉडिनरी ओके बट किसी भी मशीन के जैसे जैसे कोई भी मशीन है वो छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के बनता है हमारा ह्यूमन बॉडी भी छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स को मिला के बना हुआ है ह्यूमन बॉडी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ दैट नो मैन मेड मशीन कैन एवर डू कोई भी मैन मेड मशीन जो काम नहीं कर सकता वो काम हमारा ह्यूमन बॉडी कर सकता है इसीलिए वो वंडरफुल मशीन है इट कैन सी हियर स्मेल फील टेस्ट मूव ग्रो ब्रीद एंड रिप्रोड्यूस वो हमने लिविंग थिंग्स वाले चैप्टर में भी देखा था कि ह्यूमन बॉडी जो है वो देख सकता है सुन सकता है स्मेल कर सकता है फील कर सकता है टेस्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है बड़ा होता है यानी कि ग्रो होता है ब्रीद करता है एंड रिप्रोड्यूस करता है तो ये सारी स्पेशलिटीज़ सारे लिविंग थिंग्स की है एज ए मशीन इज मेडअप ऑफ़ मैनी स्मॉल पार्ट्स सिमिलरली आर बॉडी इज़ ऑल्सो मेडअप ऑफ़ वेरी स्मॉल यूनिट्स जैसे मशीन जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के बनता है वैसे ही हमारा बॉडी भी जो है वो ऐसे बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स को मिला के बना है वो कैसे वो आगे देखते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच आर बॉडी इज मेड इज कोल्ड अ सेल हमारा बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जिससे पूरा बॉडी बना हुआ है वो बेसिक यूनिट जो है वो सेल है उसको हम सेल कहते हैं हिंदी में उसको हम कोश कहते हैं मैनी सेल्स जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू बहुत सारे ऐसे सेल मिल के जॉइंट होके टिश्यू बनाते हैं अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एंड ऑर्गन ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अ फ्यू ऑर्गन्स टुगेदर कैरी आउट वन मेजर फंक्शन फॉर द बॉडी बाय फॉर्मिंग एन ऑर्गन सिस्टम ये ऑर्गन्स क्या है आपको ये क्वेश्चंस होते हो गए बट ये ऑर्गन और कुछ नहीं है जो हम पहले स्टडी करते थे ना सेकेंड स्टैंडर्ड में इंटरनल ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन तो वही सारे ऑर्गन्स हैं और ये ऐसे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन मिल एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एक जो काम होता है एक फंक्शन होता है वो परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा ऑर्गन लगते हैं ओके okay? सो so, उस ऑर्गन को मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स फॉम एंड ऑर्गेनिज़म ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिला के ऑर्गेनिज्म बनता है यह ऑर्गेनिज्म और कुछ नहीं है हमारा ह्यूमन बॉडी है ओके सेल सेल को मिला के टिश्यू tissue, टिश्यूज को मिला के ऑर्गन organ, ऑर्गन को मिला के ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के ऑर्गेनिज्म सो दिस इज आवर बॉडी स्ट्रक्चर इज ओके सो इसके लिए हम हाँ, एक पिक्चर देखते हैं सेल सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी सबसे छोटे से छोटा यूनिट सेल को मिला के सेकेंड पिक्चर जो है वो टिश्यू का है टिश्यूज़ बनते हैं ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ बना मिल के ऑर्गन बनाते हैं यहाँ पे हमने हार्ट का एग्ज़ाम्पल लिया है ओके और हार्ट ब्लड ब्लड वेसल्स ये सारे मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तो ये ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिला के ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारा बॉडी बनता है एक और एग्जाम्पल देखते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट लेवल में सेल सेल बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर टिश्यू बहुत सारे टिश्यूज़ मिल के ऑर्गन यहाँ पे हमने स्टमक का एग्जाम्पल लिया है और स्टमक के साथ फूड पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एनस ये सब कुछ मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिला के ऑर्गेनिज्म यानी कि बॉडी बनता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर बेजिक स्ट्रक्चर ऑफ आर ह्यूमन बॉडी अब आगे देखते हैं सेंस ऑर्गन्स आर बॉडी हैज़ सम स्पेशल ऑर्गन्स विच हेल्पअ टू सेंस द चेंजेस इन आर एनवायरमेंट हमारे बॉडी के पास ऐसे कुछ स्पेशल ऑर्गन हैं जो हमें हमारे आस पास के एन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहा है उसको सेंस करने में उसको फील करने में हेल्प करते हैं दीज ऑर्गन आर कोल्ड सेंस ऑर्गन्स ये सारे ऑर्गन को हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स हमारे पास फाइव सेंस ऑर्गन्स है ऑब्वियसली ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो आई ईयर्स नोज टंग एंड स्किन दीज आर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स नाउ फर्स्ट वन आइज आइज़ आर वेरी सेंसिटिव एंड डेलीकेट ऑर्गन्स हमारी आइज बहुत सेंसीटिव है और बहुत डेलीकेट भी है दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल कैमेराज उसको हम नेचुरल कैमराज भी कहते हैं बिकॉज हम जो भी देखते हैं हमारे आसपास जो भी पिक्चर्स है जो भी कुछ है चल रहा है वो सब कुछ कौन कैप्चर करता है हमारी आइज और वो कैप्चर करके हमारे ब्रेन को भेजती है इसलिए हम उसको नेचुरल कैमराज कहते हैं दे हेल्प अस टू सी एंड आइडेंटिफाई थिंग्स अराउंड अस वी शुड टेक केयर ऑफ आर आइज एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इंजुरीज एंड इन्फेक्शन हमें हमारी आइज को केयर करना चाहिए और उसको इंजुरी और इन्फेक्शन से बचाना चाहिए टंग टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स सच एज स्वीट सॉर सॉल्टी बिटर इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक वी शुड क्लीन आर टंग डेली टंग जो है वो हमें अलग अलग टेस्ट को फील करने में हेल्प करती है जैसे कि कोई भी हम फूड खा रहे हैं तो वो स्वीट है यानी कि मीठा है खट्टा है सॉल्टी है या कड़वा है तो ये सारे टेस्ट हम किस से फील करते हैं टंग से ओके okay. हमारी टंग हमें बोलने में भी हेल्प करती है और टंग को हमें ऑलवेज क्लीन रखना चाहिए कैसे वाइल ब्रशिंग यू शुड क्लीन योर टंग विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर एवरी डे ओके नाउ ईयर्स ईयर्स हेल्प अर्स टू हेयर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स हमारे ईयर्स हमें अलग अलग तरह के साउंडस को सुनने में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं वी कैन हीयर लो साउंडस ऑफ विस्पर्स टू लाउड नोइस हम छोटे से छोटा विस्परिंग साउंड भी फील करते हैं और बहुत लाउड नोइस भी फील कर सकते हैं सुन सकते हैं दी शुड क्लीन आर ईयर्स फ्रिक्वेंटली हमें हमारे ईयर्स को फ्रिक्वेंटली यानी कि बार बार क्लीन करना चाहिए और उसे क्लीन रखना चाहिए नोज नोज हेल्प्स अस टू स्मेल हमारा नोज हमें स्मेल करने में यानी कि कुछ भी चीज को सूंघने में हेल्प करता है इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ब्रीद वो हमें ब्रीदिंग में भी हेल्प करता है वी शुड कीप आर नोज क्लीन हमें हमेशा अपना नोज़ क्लीन रखना चाहिए ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए बच्चों वी शुड नेवर ब्लो आर नोज़ हार्ड हमें कभी भी बहुत हार्डली अपने नोज़ को ब्लो नहीं करना चाहिए बिकॉज नोज़ इज़ ऑल्सो सेंसिटिव पार्ट वी शुड ऑलवेज यूज़ अ क्लीन हैंड कचीव और टॉवल टू क्लीन आर नोज़ हमें हमेशा अपने नोज़ को क्लीन करने के लिए क्लीन हैंकी या क्लीन टॉवल का यूज़ करना चाहिए मैं एवरीडे आपको कहती हूँ ना बच्चों कि हमेशा अपने पॉकेट में एक क्लीन हैंड का चीफ रखना चाहिए सो so देट आपको अपने हाथों से अपने नोज को क्लीन नहीं करना पड़े बहुत बार बोलती हूँ एवरी बोलती हूँ बट सुनने वाला कौन है पता नहीं सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट स्किन द स्किन हेल्प्स अस टू फील थिंग्स वी फील हॉट कोल्ड एंड वार्म एंड रिकग्नाइज वेदर थिंग्स आर रफ और स्मूद हमारी स्किन हमें फील करने में हेल्प करती हैं कुछ गर्म है ठंडा है वार्म है या कोई सरफेस है वो रफ़ है या स्मूथ है ये सब कुछ हम किस से फील कर सकते हैं स्किन की हेल्प से वी ऑल्सो फील प्लेजर एंड पेन थ्रू द स्किन हम स्किन के थ्रू ही पेन और प्लेजर का अनुभव करते हैं वी शुड बेद रेगुलरली टू कीप आवर स्किन क्लीन एंड हेल्थी हमें रेगुलरली बैद करना चाहिए यानी कि रोज़ नहाना चाहिए साबुन से और पानी से अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करना चाहिए सो दिज ऑल वेर आवर सेंस ऑर्गन्स और इसका एक पिक्चर भी देखते हैं फर्स्ट वन इज़ अ पिक्चर ऑफ साइट साइट मतलब आइज आइज से हम देखते हैं सो आइज हेल्प अस टू सी द थिंग्स सेकेंड वन इज नोज नोज अस टू स्मेल सो so second पिक्चर इज ऑफ स्मेल थर्ड पिक्चर इज ऑफ टच टच हम स्किन से करते हैं एंड स्किन से उसको हम फील कर सकते हैं फोर्थ पिक्चर इज ऑफ hearing इज hearing थ्रू our ears. ears की हेल्प से हम कुछ भी सुन सकते हैं एंड टंग tongue. tongue की हेल्प से हम आइसक्रीम जैसी अच्छी अच्छी चीज़ें और करेले जैसी कड़वी कड़वी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं ओके okay? सो so these ऑल आर आर सेंस ऑर्गन्स लेट्स मूव ahead उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम जैसे मैंने बताया कि कुछ ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन पूरा करते हैं तो वो ऑर्गन्स के ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं द ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी फॉर्म्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑल ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग ऐसे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के ऑर्गेनिज्म बनता है द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी आर एक्सप्लेन बिलो फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा पाचन तंत्र जो फूड हम खाते हैं जो फूड हम अपने पेट में डालते हैं यहाँ से कहाँ से जाता है और कैसे वो डाइजेस्ट होता है वो सारा हम यहाँ देखेंगे वेर डज फूड ग्रो आफ्टर वी स्वेलो इट हम किसी भी फूड को चबा के जब चब उसको स्वेलो कर जाते हैं निगल जाते हैं तो वो कहाँ जाता है हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है द आंसर्स आर डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम विच हेल्प्स अस टू टेक इन फूड एंड मेक इट रेडी फॉर यूज बाय द बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है और वो हम जो फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में और उसको अपने बॉडी के लिए यूजफुल बनाने में हेल्प करता है वी टेक इन फूड थ्रू आर माउथ एंड च्यू विद द हेल्प ऑफ टीथ हम जो है अपने माउथ के थ्रू खाना खाते हैं फूड लेते हैं फिर उसको च्यू करते हैं अपने टीथ की हेल्प से द च्यूड फूड मिक्सिस विद सलाइवा इन द माउथ एंड बिकम्स सॉफ्ट इट देन रिचिज द स्टमक हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है सलाइवा यानी कि वो फ्लूड वो लिक्विड जो हमारे मुंह से कंटिन्यूसली फूड के साथ मिक्स होता है और फूड को एक सॉफ्ट पेस्ट बनाने में च्यू करके उसको सॉफ्ट बनाने में जिसको हम स्वेलो कर सके ऐसे रूप में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है सो आफ्टर दैट ये फूड जो है वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुँचता है इन द स्टमक द च्यूर फूड गेट्स मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूसेज एंड चेंजेज इन टू अ सॉल्यूबल फॉर्म अब वो फूड जब स्टमक में जाता है तो स्टमक के अंदर उसमें डाइजेस्टिव जूसेस या जिसको गैस्ट्रिक जूसेस भी कहते हैं वो उस फूड में मिक्स होता है और इस फूड को सॉल्यूबल फॉर्म सोल्यूबल फॉर्म यानी कि जिसको हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सके ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करता है दिस सॉल्यूबल फूड फाइनली गोज इन टू द स्मॉल इंटस्टाइन वेयर इट इज अब्जॉर्ब्ड बाई द ब्लड ये जो सॉल्यूबल फूड है वो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ऐसी रचना होती है यानी कि छोटे छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके वॉल्स पर छोटे 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 हॉल्स जैसे पोर्स जैसा होता है जिसको हम विली कहते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड पास होता है तब उसमें बाइल जूसेस भी ऐड होते हैं बाइल जूसेस जो हमारे लीवर और पेंक्रियाज एक्सक्रीट करते हैं यानी कि लीवर और पैंक्रियाज में से बाइल जूसेस जो है वो हमारे फूड में मिक्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और वो फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जब पास होता है तब विली यानी कि जो छोटे छोटे छिद्र है जो स्मॉल पोर्स है उसमें से वो अब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिक्स होता है तो इस तरह से फूड में से हमारे ब्लड को एनर्जी मिलती है और वो जो एनर्जी है वो ब्लड पूरे बॉडी में एक एक छोटे से छोटे पार्ट तक पहुंचाता है द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर इट इज़ पास्ड आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट थ्रू एनस अब जो डाइजेस्टेड फूड जो है जो बॉडी के लिए एनर्जी देने वाला फूड है वो तो बॉडी ने स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब कर लिया पर सारा फूड तो ऑब्जॉर्ब होता नहीं है कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है तो वो अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो उसका अब क्या करेंगे तो उसको जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं और वो लार्ज इंटेस्टाइन में से पास होके फिर उसमें से एक्स्ट्रा वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी जो बचता है वो वेस्ट के रूप में हमारे बॉडी में से एक एनस है एनस एक ऐसी रचना है जिससे हमारे बॉडी में से वेस्ट फूड बाहर निकल जाता है तो ये क्या होता है आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये कैसे होता है क्या होता है हमको तो पता नहीं है तो ये और कुछ नहीं है बच्चों जब हम खाते हैं तो खाने के बाद हमारा जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉटी आप उसको पॉटी बोलते हो बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज इट इज़ कोल्ड अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है जो बॉडी के लिए काम का नहीं है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं तो वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस वो हॉल है जिसमें से वो वेस्ट फूड बाहर निकलता है ओके तो इन द फॉर्म ऑफ पॉडी द वेस्ट फूड कम्स आउट ऑफ द बॉडी ओके सो दिस इज वॉट द फूड साइकिल इज डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से काम करता है अब आपको मैंने समझा तो दिया बट फिर भी आपको हो रहा होगा कि ये मैम कब से कुछ बोल रहे हैं बट कोई वीडियो तो दिखाते नहीं है तो अभी वीडियो भी देखते हैं ओके okay? और इस वीडियो में हम क्या करेंगे पता है हम बड़े बच्चों में से छोटे से बच्चे बन जाएंगे और एक बच्चे के मुंह में चले जाएंगे जो एप्पल खा रहा है और उसके मुंह में से जाके हम पूरे बॉडी में ट्रैवल करेंगे ओके okay? सो so, है ना ये एक्साइटिंग ट्रिप तो so, सो so, चलो लेट्स गो फॉर दैट ट्रिप ये जो है वो हम हैं बच्चे ये दोनों बच्चे बहुत जीनियस है उसको भी ये डाइजेशन सिस्टम समझना था तो उसने एक जादू की छड़ी ली और जीनियस बन गए तो जीनियस बन के वो छोटे से बन गए इतने छोटे कि किसी को पता ना चले और वो इस बच्चे के मुंह में चले गए एप्पल के साथ तो अंदर जाके क्या देखते हैं कि वो अच्छे से एप्पल को च्यू कर रहा है ये उसके टीथ है जो एप्पल को च्यू कर रहे हैं चबा रहे हैं अच्छे से फिर उसमें क्या मिक्स होता है मुँह में सलाइवा तो टीथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेक अ थीन पेस्ट फूड की जो हमने खाया है उसकी थीन पेस्ट बनाता है फिर वो मुंह में से अंदर जाता है अब थोड़े से अंदर जाते हैं वहाँ थ्रोट होता है जिसको फेरिंग्स कहते हैं वो एंट्रेंस है हमारे फूड पाइप का फूड पाइप और विंड पाइप दोनों कनेक्टेड होते हैं बट विंड पाइप जो है उसमें हवा जाती है विंड और फूड पाइप में फूट जाता है अब फूड पाइप को हम ऐसोफोगस भी कहते हैं विंड पाइप फूड पाइप एंड फेरिंग्स ये एक ज्वाइंट है ओके okay? फिर फूड पाइप से होके फूड जो है वो बच्चों के साथ स्टमक में पहुंचता है तो ये हम पहुंच गए स्टमक में फूड ट्रैवल्स फ्रॉम ऐसा फोगस टू स्टमक ऐसोफोगस यानी कि फ़ूड पाइप से होके स्टमक में जाता है अब ये जो किसकी बारिश हो रही है गैस्ट्रिक जूसेस यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस की स्टमक में हमारे फूड के साथ डाइजेस्टिव जूसेस भी मिलते हैं और फूड को ऐसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ओके सो गैस्ट्रिक जूस इज एडेड उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में स्मॉल दिखता है पर वो ऐसे सिकुडा हुआ है बट वो बहुत लॉन्ग है ओके okay? सो so, यहाँ पे फूड ट्रैवल करता है और जैसे जैसे ट्रैवल करता है उसकी जो रचना है मैंने बताया था ना आपको उसमें से ब्लड जो है फूड को ऑब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्ट ऑफ डाइजेशन हैपन्स ईयर तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये उसमें बायल जूसिस एड हो रहा है जो लीवर और पैनक्रियाज से आते हैं तो अभी फूड एकदम अच्छे से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसको विली के थ्रू ऑब्जॉर्ब किया जा सके तो ब्लड जो है वो उसको ऑब्जॉर्ब करता है दो देखो ये बताया ना बाइल जूसिस जो है वो लीवर और पेनक्रियाज से निकलते हैं अब वो फूड जो है ये विली है ये जो स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं वो विली है विली के थ्रू ब्लड उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन से अब स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बोला ना कि बहुत बड़ा है तो उस पूरे पार्ट से ट्वेंटी फू टू फीट लॉन्ग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन फूड पास होता है अब उसके बाद वेस्ट फूड जो है वो निकल जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में है वो साइज़ बड़ा है उसका अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पास होता है फिर पास होते होते उसमें से जो एक्स्ट्रा वॉटर है वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है है ना फिर पूरे लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रैवल करके फूड फिर कहाँ तक पहुँचता है एनस में देखो वो जा रहा है वाटर इज़ ऑब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन ओके सो अब ये जर्नी कंप्लीट हो गई अब ये जो फूड है वो बच्चे आगे नहीं जाएंगे वो वापस निकल जाएंगे और ये जो फूड है वो ट्रैवल कर रहा है आप देख सकते हो ये वेस्ट फूड है और वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है जिसको हम वेस्ट कहते हैं एनस फूड वेस्ट गोज आउट सो हियर सर्कुलेट्री सिस्टम द हार्ट द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम आई होप आपको अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम सीखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स को मिला के बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम उसके नाम के जैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प करता है द हार्ट पम्प्स द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स हार्ट जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करता है द ब्लड सप्लाईज ऑक्सीजन एंड फूड टू द सेल ऑफ़ द बॉडी ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के सारे सेल्स को ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करता है द हार्ट इज मेड अप ऑफ ओनली मसल्स हमारा हार्ट जो है वो सिर्फ मसल्स से बना हुआ है ओके सो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चों मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरे बॉडी में जो है वो ब्लड होता है अब जब ब्लड पूरे बॉडी में घूम लेता है तब वो इमप्योर हो जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इनप्योर ब्लड हमारे हार्ट में जाता है तो हमारे पिक्चर में जो हमें ब्लू कलर की वेन्स दिख रही है उसमें इमप्योर ब्लड है वो इमप्योर ब्लड पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर हार्ट में जाता है अब हार्ट क्या काम करता है हार्ट जो है वो हमारे इनप्योर ब्लड को प्योर करता है ओके और फिर उसको लंग्स में बेचता है अब लंग्स में क्या होता है कि लंग्स में हम जो ब्रीदिंग करते हैं सांस लेते हैं वो जो हवा है उस हवा में से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड था ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे वो ब्लड रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेता है ओके okay? सो so, ये जो सिस्टम है हार्ट और लंग्स वो कनेक्टेड है फिर वो प्योर ब्लड है वो रेड कलर की आर्टरीज आर्टरीज बोलते हैं उसको ब्लड वेसल्स है दोनों ही ब्लड वेसल्स ही है ब्लू और रेड पर जिसमें इम ब्लड है उसको वेन्स कहते हैं और प्योर ब्लड को आर्टरीज कहते हैं तो वो आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी को ट्रैवल करता है और सारे सेल्स को फूड और ऑक्सीजन देता है ओके सो दिस इज आवर सर्क्यूलेटरी सिस्टम अब उसके लिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं हम ये जो है हमारी बॉडी है और हार्ट है हार्ट पंप करता है ब्लड को पूरे बॉडी में ओके अब ये कैसे होता है हार्ट में देखो ये ब्लू पार्ट है वहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है रेड में प्योर ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स ये तीनों पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के अब देख सकते हो ब्लू में आता है और रेड में जाता है तो ये पूरा ब्लड वेसल्स है वो इम्प्योर ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट में लाते हैं फिर प्योर करके रेड ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी को देते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम सो नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज विंड पाइप एंड लंग्स वी इन एयर थ्रू आर नोज ये सिस्टम जो है वो नोज़ विंड पाइप और लंग्स से बनी है ये सिस्टम हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड है हम अपने नोज़ के थ्रू ब्रीद करते हैं द हेयर इन द नोज ट्रैप डस्ट एंड जम्स हमारे नोज में जो हेयर है वो डस्ट और जर्म्स को ट्रैप करते हैं फ्रॉम द नोज द एयर गोज़ टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप अब नोज में जो हम एयर ब्रीदिंग करते हैं वो विंड पाइप से होके लंग्स में जाती है इन द लंग्स ब्लड टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में क्या होता है लंग्स में ग्रेप्स के जैसे बहुत सारे एयर बैग्स होते हैं जिसको एयर सेक्स भी कहते हैं एयर सैक सैक यानी कि वो जो बैग होता है उसको हम सैक भी कहते हैं ओके सो ग्रेप्स जैसी रचना वाले बहुत सारे एयर बैग्स होते हैं अब और बैग उस एयर बैग्स में जो बॉडी में ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके आता है अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं ब्रीद इन यानी कि इनहेल करते हैं सांस अंदर लेते हैं तब ऑक्सीजन उस एयर बैग्स में जाता है उस ऑक्सीजन को वो ब्लड वेन्स जो है जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं वो ब्लड वेन्स उसको ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लेती है और उस ब्लड वेन्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो छोड़ देती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब कर लेती है अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कैपिलरीज छोड़ती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं एक्सहेल यानी कि सांस बाहर निकालते हैं ओके okay? सो so, ये जो है हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है अब इसको एक वीडियो क्लिप में हम देखते हैं ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ वी इन थ्रू आर नोज हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं अब नोज में फाइन हेयर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स और वेरी टाइनी इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वो इन चीजों को एंटर नहीं होने देते इसलिए हमें ऑलवेज नोज के थ्रू ब्रीदिंग करना चाहिए माउथ के थ्रू नहीं करना चाहिए अब एक एक्टिविटी देखते हैं हम जब अपना हाथ अपनी चेस्ट पर रखते हैं तब हमें महसूस होता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो एक्सपांड होते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे ब्रीथ आउट करने से हमारे लंग्स फॉल होते हैं यानी कि छोटे होते हैं छोटे बच्चे जब सोते हैं तब हम उसको देखते हैं तो हमें फ़ील होता है कि उसकी चेस्ट की मूवमेंट अच्छे से दिखती है हमें ओके सो दिस इज ब्रीदिंग सिस्टम अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है नोज फिर विंड पाइप और विंड पाइप से होके लंग्स ये जो दिख रहे हैं दो वो हमारे लंग्स हैं ओके अब ये देखो ये ब्रीदिंग करते हैं वो विंड पाइप से होके लंग्स तक जाते हैं ऑक्सीजन और उसमें हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वेन पाइप से होके नोज से होके बाहर निकलता है द लंग्स आर मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ एयर सेक्स मैंने बोला ना एयर बैग्स होती है और एयर बैग्स की रचना कैसी होती है ग्रेप्स की जैसी ये सारी एयर बैग्स है और ये कैपिलरीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड लाती है कैपिलरीज कंटेन इमप्योर ब्लड ब्रूड फ्रॉम द हार्ट इमप्योर ब्लड जो है वो ब्र... हार्ट से होके कैपिलरीज से होके लंग्स में जाता है लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और ऑक्सीजन कर लेता है द कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑब्जॉर्ब द ऑक्सीजन देन देर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द लंग्स ये लंग्स में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना और ऑक्सीजन का ऑब्जॉर्ब करना अब हमारे एयरबैग्स में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स योर बॉडी एज यू ब्रीद आउट अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही हम ब्रीद आउट करते हैं सांस बाहर निकालते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है तो ये हुई हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम हियर वी एंड अप विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और इसको और भी ज्यादा आपको अच्छे से समझना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं बट ये ध्यान रहे जब भी आप सर्च करो तो कोई भी सिस्टम लिखो फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ आप ऐसे लिखना कि डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर क्लास थ्री क्योंकि अगर आप सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम लिखोगे तो वो हायर स्टैंडर्ड्स के लिए आएगा ओके तो हमें अभी इतना हायर स्टैंडर्ड में नहीं जाना है आपको आपके लेवल का देखना है तो जब भी आप सर्च करो तो उसके साथ क्लास थ्री लिखना मत भूलना और आई विश कि आप सर्च करो और सब कुछ देखो डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सबके अच्छे अच्छे वीडियोस हैं गूगल में सो so, प्लीज़ सर्च करना और देखना ओके और अगले वीक हम अगेन मिलेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर तब तक स्टे होम स्टे सेफ हैव अ नाइस डे अः हेड गुड बाय किड्स